हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू नेक्स्ट लेवल। मैं हूँ रुद्रबाउसा और आप देख रहे हैं आपकी मन पसंदीदा चैनल टू नेक्स्ट लेवल। फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब में नया हूँ और मैं नया इन्वेंशन के वीडियो रखते रहता हूँ, तो मैं आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और नए वीडियो बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो का टॉपिक है इसराइल और फिलिस्तीन के वॉर के बारे में। हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है इसराइल वर्सेस फिलिस्तीन। फ्रेंड्स, इसराइल के लिए एक लेग तो बनता है, तो आप इसराइल के लिए एक लेग कर दो। और फ्रेंड्स, तो हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे कि कौन से देश के पास कौन से हथियार हैं। तो फिलिस्तीन के पास सिर्फ पत्थर है और इसराइल के पास बड़े बड़े बॉम्ब, गन्स, मिसाइल्स, ये सब है। ये वर्ल्ड का 8th स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री में आता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे उसकी हिस्ट्री की। तो जैसे कि ये इंग्लैंड वाले हैं, उन लोगों ने वहाँ पे लंदन में बैठे बैठे विभाजन किया था। जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान का विभाजन उन लोगों ने 1947 में किया था, वैसे ही उन लोगों ने हमारे एक साल के बाद इसराइल और फिलिस्तीन का किया था। पहले वहाँ पे पूरा फिलिस्तीन था, लेकिन वहाँ थोड़े थोड़े यहूदी लोग रहते थे, तो उन लोगों ने विभाजन करके 48% उन्होंने फिलिस्तीन को दिया, 44% उन लोगों ने इसराइल और 44% इसराइल को दिया, और बाकी के जो जगह थी वहाँ पे उन्होंने UNO बनाया, क्योंकि उन लोगों को तो झगड़ा कराना ही था, क्योंकि देश नहीं झगड़ेंगे तो उनका माल कैसे जाएगा, सामान कैसे जाएगा। तो आपके मन में यही विचार आया होगा कि फिलिस्तीन के पास तो सिर्फ पत्थर है, तो गाजा पट्टी में बंदूकें कहाँ से आई, मिसाइल्स कहाँ से आए? तो इसका आंसर भी मैं दूंगा, सऊदी अरब से होके उन लोगों ने जॉर्डन से इजिप्ट गए, इजिप्ट से अंडरग्राउंड सब्वे करके उन्होंने गाजा पट्टी को पहुंचाया, क्योंकि आपने देखा होगा उसके बाजू में सी था, तो सी में भी इसराइल की नेवी मौजूद रहती है और इधर बॉर्डर पे उसकी आर्मी भी होती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा कि कौन से देश में कितनी तबाही हुई है। तो फिलिस्तीन में बहुत तबाही हुई है और इसराइल में अभी कुछ नहीं हुआ है। आपने फिलिस्तीन के वीडियो देखे होंगे और जितनी भी मिसाइल्स आती है इसराइल वहाँ से ब्लास्ट कर देती है। अब आप ये सोचते होंगे कि मिसाइल्स ऐसे ब्लास्ट करती है, सपोज ये इसराइल की मिसाइल है और ये फिलिस्तीन की, तो दोनों ऐसे ब्लास्ट होंगे, ऐसे तो रॉन्ग तरीका है। फिलिस्तीन की मिसाइल ये इसराइल की मिसाइल, ये दोनों इधर आके फूटेंगे तो हवा में वो ब्लास्ट हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन से देश की साइड में हैं। तो हम हैं फिलिस्तीन के साइड में, हम बरसों से फिलिस्तीन के साइड में आ रहे हैं, क्योंकि फिलिस्तीन मुस्लिम कंट्री है और इसराइल यहूदी कंट्री है। और फिलिस्तीन में क्या है, वहाँ मुस्लिम कंट्री जैसे सऊदी अरब, जॉर्डन, ये सब उसका साथ देंगे, क्योंकि हम उनका साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब वहाँ से हमें पेट्रोल सस्ता पड़ेगा, क्योंकि हम वहाँ से उनका साथ देंगे, मीन्स फिलिस्तीन का साथ देंगे, तो वहाँ से हमें पेट्रोल कम भाव में मिलेगा। अब फिलिस्तीन फिर से बोल रहा है कि हमने जो हमारी जो जमीन थी, मीन्स जो 48% थी, वो हमें फिर से दे दो। तो भाई, तुमने झगड़ा ही क्यों किया, इसराइल बोला है तुमने झगड़ा ही क्यों किया। अब इसराइल तो हमारा फ्रेंड है, हम तो उसके भी साथ देंगे, बट हमारा POK की जमीन है वो पाकिस्तान ने ले ली, चाइना ने भी हमारी जमीन ले ली, तो वो लोग भी कहेंगे कि भाई जो जमीन ले ली सो ले ली, अब हम नहीं दे सकते। ऐसा होगा, इसलिए इंडिया फिलिस्तीन का साथ दे रहा है। और इंडिया वालों ने इसराइल वालों को चुपके से बुलाया और बोला, भाई देखो
हमारा पीओके और चाइना की जमीन भी चली गई है, तो अब हम तुम्हारा साथ तो नहीं दे सकते, क्योंकि दिया तो वो लोग ऐसा कहेंगे जो मैंने अभी समझाया था आपको। इसलिए एक काम करो, हम तुम्हारा साथ है लेकिन तुम हमारा ये दे दो, फिर जो चाहिए वो ले लेना हमसे, जितनी आर्मी चाहिए उतनी ले लेना। ये थी जो डिटेल्स थिंग जो मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में समझाई है। ये तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना तो होता ही है, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और हाँ बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए।